दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है, फिर भी कांग्रेस वाले इतने खुश क्यों हैं? तो दोस्तों बात ऐसी है कि लोकसभा में एक पद होता है जो कि है लीडर ऑफ अपोजिशन का, जो पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है। और उसकी वजह है कि 10 साल पहले 2014 में हुए इलेक्शन में यूपीए को भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से करारी शिकस्त मिली थी, जिसमें वो लोकसभा में केवल 44 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। नियम कहते हैं कि अपोजिशन लीडर बनने के लिए किसी पार्टी के पास लोकसभा में 10% यानी लगभग 54 सीटें होनी ही चाहिए, और इनके पास केवल 44 सीटें ही थी। वहीं 2019 में भी ये आंकड़ा नहीं छुपाई थी, इसलिए तब से ये पद खाली पड़ा था। वैसे इस बार भी कांग्रेस विपक्ष में ही है, लेकिन मामला थोड़ा अलग है। इस बार इसे 99 सीटें मिल चुकी हैं, जो कि दमदार विपक्ष है, यानी इस बार अपोजिशन लीडर बनना तय है। और इस पद के लिए कांग्रेस लीडर्स लगातार राहुल का नाम दे रहे हैं। अगर राहुल इस पद के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके पास कुछ खास पावर आ जाएगी, जैसे कि पहला, वो विपक्ष के मेन लीडर के तौर पर सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकेंगे। दूसरा, ईडी और सीबीआई जैसी कमेटियों के सिलेक्शन में अपोजिशन लीडर का सहमति होना जरूरी होगा। तीसरा, इस पद पर बैठा नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर सैलरी और बाकी सुविधाओं का हकदार होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ये पद रूलिंग पार्टी को ट्रैक पर रखने और सरकार को गलती करने से रोकने के लिए होता है। और इतना ही नहीं, भले इस बार भी नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरे 5 सालों तक पीएम बने रहेंगे, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है जो कभी भी पलटी जा सकती है, इसलिए कांग्रेस वालों का खुश रहना बनता है।